छत्तीसगढ़ में एक ऐसी गुफा है जहां माता अनुसुईया ने माता सीता को नारी धर्म का पाठ पढ़ाया था। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में कुछ वक्त गुजारा था। विडंबना ही कहे कि छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वन गमन पथ से इस स्थल को विलोपित कर दिया गया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में एक ऐसी गुफा है जहां माता अनुसुईया ने माता सीता को नारी धर्म का पाठ पढ़ाया था। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ विश्वामित्र मुनि के आश्रम में कुछ वक्त गुजारते भी दिखे थे। इस वजह से शहर के क्षेत्र को सीतागढ़ी के नाम से जाना जाता है। सीतागढ़ी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है और आज भी दूर दूर से श्रद्धालु इस पवित्र गुफा में निर्मित मंदिर के दर्शन करने आते हैं। सीतागढ़ी गुफा में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि की 7वीं शताब्दी निर्मित प्राचीन मूर्ति विद्यमान है। बीच में मुनि की बड़ी मूर्ति और दाएं बाएं में राम और लक्ष्मण जी नजर आ रहे हैं। यहाँ एक पद चिन्ह भी मौजूद है जो माता सीता का बताया जाता है। गुफा के बाहरी भित्ति पर दो लाइन का शिलालेख है। नागपुर की पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की टीम अभी इस शोध पर काम कर रही है और अब तक इस लेख को पढ़ा नहीं जा सका। सीतागुमड़ी गुफा मंदिर का जो अभी तक अभिलेखित जो साक्ष्य है वो 7वीं-8वीं शताब्दी के वहां पर शिलालेख है, जिसमें अष्टद्वार विषय वैद्य पुत्र का उल्लेख आया है और एक लाइन गजमाया करके लिखा है और ये 7वीं-8वीं शताब्दी का है। और उसके बाद वहां पे राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र की प्रतिमा मिली है और ये बालक रूप में है राम भगवान और लक्ष्मण जी, और राजकुमार वेश में है और विश्वामित्र जो बीच में बैठे हैं वो यज्ञ के हवन करता हुआ इतना दुर्लभ प्रतिमा है। कोरबा जिला पुरातत्व विभाग के मार्गदर्शक हरि सिंह क्षत्री का दावा है कि इस प्राचीन शिलालेख में अष्टद्वार जिले के निवासी वेद पुत्र श्रीवर्धन का उल्लेख है और इस लेख की लंबाई 163 सेंटीमीटर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया। दुकालू श्रीवास पूर्व पार्षद ने बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यहां भी कई धार्मिक आयोजन संपन्न कराए जाएंगे। हमें वो माता जी का पदचिन्ह नहीं है जिसको हम माता जी का पदचिन्ह कहते हैं, वो भगवान राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा जो टूटा हुआ है उनके पैर के निशान है। अब यहाँ पे जो माता जी पुजारी रहते हैं तो उसको माता सीता का वो पदचिन्ह मार, चूंकि उसमें पैर में जो आभूषण पहने हैं उसके नाम से उसको माता जी का चिन्ह। जानकार आदमी उनके कहना ये है कि वनवास काल में यहाँ श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं स्थान में और अपने गुरु जी के यहाँ आराधना करते हैं और यहाँ है तो शहर कोरबा लेकिन यहाँ सीता जी रहते हैं वनवास काल में मणि छोड़े हुए हैं तो स्थान में नाम सीता मणि पड़े। कोरबा का प्राचीन श्रीराम गुफा मंदिर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण इसे वो महत्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बता दें कि राम वन गमन पथ से जुड़े विभिन्न शोध के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने छत्तीसगढ़ के वन गमन के दौरान लगभग 75 स्थानों पर प्रवास किया था। INH 24/7 के लिए कोरबा से उमेश यादव की रिपोर्ट।